सूबे में राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप भी शामिल होने पहुंचे। हालांकि ये पहली बार था जब दोनों भाई एक साथ कैबिनेट की बैठक में पहुंचे थे। दोनों भाइयों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगी, लेकिन एक सवाल जो मीडिया में छाया रहा कि जो कैबिनेट बैठक अब तक 1.5 घंटे चली थी, वो बैठक 30 मिनट में ही सिमट गई। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी में कोई बातचीत भी नहीं हुई, तो क्या मान लिया जाए कि महागठबंधन में दरार आ गई है। ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का महागठबंधन को लेकर वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि महागठबंधन चलाना सबकी जिम्मेदारी है, इशारों में काफी कुछ कह रहा है। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तेजस्वी ने कहा, जब हम बड़े हो गए हैं, जब हमारे पास सत्ता आई तो हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जब हमारी उम्र 13-14 साल की थी तो राजनीतिक साजिश रचकर हमें फंसाने की कोशिश की गई। 2004 में हमारी मूछें भी नहीं आई थी। 13-14 साल का बच्चा कैसे ये सब कर सकता है? 13 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। और अब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था। वहीं तेजस्वी ने सभी आरोपों को बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता उनके साथ है, जनता ने ही उन्हें चुनकर भेजा है और वो जनता के बीच जाएंगे। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है। उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार के नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक तरफ तेजस्वी को 4 दिन का अल्टीमेटम और दूसरी तरफ तेजस्वी की सफाई। इस पूरे मसौदे के बीच भले ही नीतीश कुमार धर्म संकट में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति वो एक साफ छवि वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में आरजेडी पर सुशील मोदी ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर बार खतरे की घंटी महागठबंधन पर आकर रुकी। हर बार महागठबंधन में दरार बताई गई, दरार दिखाई भी दी, लेकिन गठबंधन नहीं टूटा। तो क्या इस बार वो सारी अटकलें, वो सारे कयास सही हो सकते हैं अगर तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़े तो? बहरहाल अब इंतजार अल्टीमेटम खत्म होने का है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।